पुंछ आतंकी हमला, आतंकियों ने लादेन को मारने वाले हथियार का किया इस्तेमाल, अफगानिस्तान से सप्लाई होने की आशंका। जम्मू संभाग के पुंछ में हुए घातक आतंकी हमले में जहां प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद की शैडो संगठन PAFF ने खुलकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, वहीं संगठन द्वारा जारी पोस्टर में एक हथियार को भी दिखाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस हथियार का नाम हैकलर एंड कोच असॉल्ट राइफल है। इसको नाटो और US की नेवी सील टीम बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में करती आई है। यहां तक कि इस हथियार का इस्तेमाल ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में भी सील टीम द्वारा इस्तेमाल किया गया था। इस गैस ऑपरेटेड असॉल्ट राइफल की गोलियां 5.56x45mm होती हैं, जो स्टील बुलेट जैसी ही नजर आती हैं, और इनमें स्टील बुलेट ही की तरह निशानों को चीर कर जाने की क्षमता होती है। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। इसमें अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन और तुर्की में बनी पिस्टल कैनिक TP शामिल है। घाटी में आतंकवादियों के पास से स्टील की बम भी मिले हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में देखा गया है। यहाँ बने स्टिकी बम की बनावट वैसी है, हालांकि सूत्रों की माने तो स्टिकी बम को यहाँ पर ही आतंकवादी द्वारा बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में आधुनिक हथियार हमेशा से ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता और चुनौती बने हैं। अब सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को खंगालने में जुट गई हैं। हालांकि घाटी में हुए विभिन्न मुठभेड़ों में करीब एक दर्जन M4 कार्बाइन राइफल्स को बरामद किया गया है, जबकि तुर्की में बनी पिस्टल विभिन्न अभियानों में 40 के करीब बरामद की गई है। तो पाकिस्तान से चलाया जा रहा था हथियारों का सिंडिकेट। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के निकलने के साथ ही यह आशंका जताई जा रही थी कि तालिबान कश्मीर में आतंकवादियों का साथ देगा या नहीं, लेकिन अभी सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ऐसे हथियारों का आतंकवादी संगठनों के पास देखा जाना कहीं ना कहीं एक ऐसे सिंडिकेट की तरफ इशारा करता है जो पाकिस्तान से चलाया जा रहा है। चाहे लश्कर की शैडो संगठन TRF या जैश की PAFF हो, दोनों पाकिस्तान द्वारा चलाई जा रही हैं, और ऐसे में उन तक हथियार पहुंचाने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल नियंत्रण रेखा के पार से देखा जा रहा है।